हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो गाइस, आज है ट्यूसडे और आज का व्लॉग बन रहा है। 2:30 बज रहे, खाना बनाने के लिए लेट हो गया, व्लॉग स्टार्ट करने के लिए भी लेट हो गया। बच्चे स्कूल जाके आए, मोना गई स्कूल, सोनू जाके आई स्कूल के लिए, और अभी मेरा खाना नहीं बना तो ये मुझे चिल्ला रहे थे मिस्टर आसिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैंने इसको 1 घंटा पहले फ़ोन किया था, है ना? ये बाहर गए थे, फ़ोन किया था कि मैं बोला मैं आ रहा हूँ 1 घंटे में, खाना रेडी कर दी करके। हाँ। तो अभी तक इसका खाना रेडी नहीं हुआ है। अभी क्या बना रही है? तो मैं पुलाव बना रही, जल्दी जल्दी बनना चाहिए इसके लिए। जल्दी जल्दी में पुलाव मस्त वाला बना दे। हाँ, क्या चलो दबा के लगी। तुम कचुम्बर बना? मैं बनाता कचुम्बर। चल, ठीक है। आज घर में ना पूरा काम वैसे पड़ा हुआ है। तूने काम नहीं करी सुबह से? सुबह? अरे मेरा व्लॉग एडिट करने का था, व्लॉग एडिट करके अपलोड करने लगाई। आज भी नहीं करी। फास्ट है ना, नमक वगैरह सब डाला हुआ है, कुछ नहीं डालने है। चेक करता हूँ। चेक करो जरा। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ से आगे पानी चावल वगैरह डालने के बाद में इसका क्या टेस्ट आता वो देखेंगे। चावल कहाँ है? उधर, ये ऊपर सेकंड वाला डब्बा निकालो। ये हाँ, एक ढक्कन लूज है, आराम से निकालो। रखो यहाँ पे। ये लोग का क्या चल रहा है, क्या पता क्या हुआ रे? दे उसको दे। अच्छा ठीक है, ले 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 ले, 2 पैसे उसको छुट्टे। चप्पल पहन के जाओ, आयत को भी दो, जाओ दुकान पे जाओ। यहाँ पे रखा हुआ है ककड़ी और दही। हाँ, कट करो, ये लो बैठो यहाँ पे। तो मैंने ना चावल धो के डाल दी हूँ पुलाव के अंदर, बन रहा है। चलो साफ सफाई स्टार्ट करती हूँ, काम देखो कितना पड़ा, सब हटाती हूँ। मिस्टर खान कचुम्बर बना रहे हैं। इतना स्लो छिलेंगे ना तो तुमको शाम हो जाएंगी। अभी तक मेरी पूरी ककड़ी छिलके हो गई रही थी। और एक पैकेट मंगाओ दही का। बस हो गया, वारिस आए तो। अरे वो अभी कैसा, ठंडी में ना ज्यादा खट्टा लगता है ना, इसके लिए ये नॉर्मल रहता, ज्यादा खट्टा नहीं रहता दही। चलो तुम ये कर लो, मैं मशीन लगाती हूँ। तू पहले मेरे को खाना दे, उसके बाद क्या करने है? वही तो, खाना इसने बनाना अभी तक। ये हो गया, अभी वो हो गया तो निकाल लेते हैं। बाहर पाइप लगाती, काम करके लेती ना, खाना तो बनने के लिए टाइम है। हमारी मैडम देखो इधर है, मैडम तो गुल है, दुकान पे गई लगता है सोनू। हाँ, क्या बोले? रात की भिंडी रोटी भी थी, उसको गरम करके निकाली हूँ साइड में, खाना खाने के लिए अभी बैठ रहे। मेरे को दे दे। हाँ रुको, 1 मिनट दे रही हूँ, दम हुआ कि नहीं चेक तो करने दो पहले। तो पुलाव बन के तैयार हुआ है, चलो खाना बन गया, अभी फटाफट से खाना निकालती हूँ, खाना खा के आप लोगों से मिलती हूँ। बहुत ज्यादा खाई कर रहे हो, ये तो लेट हो गया ना खाना बनने में इसके लिए। तो चलो मैं खाना निकाल के आप लोगों से मिलूँ, जब तक फोन में मेरे बिल्कुल चार्जिंग नहीं, चार्जिंग भी लगा दी। तो खाना खा के हो गया, अभी ना घर में कपड़े भी उतने ही निकले हैं, बर्तन भी उतने ही निकले हैं, तो मैं क्या सोच रही हूँ, पूरे बर्तन रैक में गए, वैसे खाली हो गए, 2-3 कुछ बचे। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि घर की पूरी साफ सफाई करके लेती हूँ। 15-20 दिन हो गए मुझे यहाँ पे आके, मतलब 1 महीना होने को आया है अभी। तो ना मतलब तो गंदा हो गया घर, ये यहाँ पे तो इतना गंदगी हो गई पूछो मत, ये इधर उधर भी गंदा हो गया। ये डब्बे जो नए हैं वो धोने के हैं, तो इसमें मैंने राशन वाशन अभी कुछ भरी नहीं हुआ ऐसे, क्यों तो राशन लेके ही नहीं आए तो भरेंगे क्या, है ना। और ये मेरे सब जुने पुराने जो बर्तन हैं, ये सब मेरे को ना धोना है। ये इधर का ये सब साफ सफाई करूँगी, ये भी हटाऊँगी, क्यों तो अभी 1 महीना हो गया आके पूरा, मतलब सिर्फ 3 से 4 दिन बचे, तो गंदगी भी उतनी जमा हो गई, इतने बर्तन निकले। रैक निकालती हूँ, सब निकाल के झटका झटके करती हूँ, बाहर मस्त पाइप लगा के धोती हूँ हर एक चीज़। तो क्या हो गया मालूम है, मैं सोची इतना ये घर में ना चूहे बहुत है, छोटे छोटे चूहे बहुत है, तो उन्होंने उधर बहुत गंदगी कर, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा,
कभी मैं कुछ खाना बनाती हूँ, बाय चांस कभी कुछ खुला रहा, जैसे चाय वाय बनाते तो चाय को हम ढकते नहीं है, तो कभी कुछ गिरा करा तो वो गंदा लग रहा है, तो मैं वहाँ पे साफ करके ना कुछ करेंगे, चटाई वटाई लेके आती हूँ, चूहे की मंगाती हूँ सोनू के हाथ से, फिर वो लगाएंगे। और घर में तो मैंने ना सब बर्तन वर्तन निकाल के ना यहाँ पे रख दी धोने के लिए, बहुत सारे बर्तन है, इधर स्टैंड भी निकाल दी बर्तन का। अभी तुमको मैं बताती हूँ, चूहे देखो कितने इसमें गंदा करे, देखो चूहे ने, ये इसके वजह से मुझे निकालना पड़ा आज, नहीं तो ना इतनी कोई ज़रूरत नहीं थी कि, तो अभी थोड़े ही दिन हो गए मैंने साफ़ सफाई करी थी ना इसके लिए, तो ऐसा गंदगी करके रख दी चूहे ने, तो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसके लिए मैं अभी ना साफ़ कर रही हूँ उसको ना। सोनू को एक काम पर लगाती, मिक्सर साफ कर बोलती सोनू को, हमारी साथ। तो किचन हो गया साफ है, पूरा क्लियर हो गया, बाप रे बहुत ज्यादा चूहे ने ना गंदगी करे थे, मस्त लग रहा है ना। कितने सारे बर्तन है उधर, कौन आई स्कूल से? वालेकुम अस्सलाम। रुक जरा अभी, कहाँ से इतना हो? तो ना घर भी मशीन लगाई वहां पे, और घर भी धो के ले रही हूँ अभी। चलो बर्तन स्टार्ट कर रही, पाइप इधर लगा, इधर पे ही बैठ के धोने वाली हूँ बर्तन। बर्तन धोना स्टार्ट कर रही हूँ, तो घर के अंदर ही बैठ के धोऊंगी, बहुत सारे बर्तन है अभी, चलो काम पे लगना है फटाफट। टाइम में फास्ट आता, मतलब ऐसे भी फास्ट आता है पानी, लेकिन ये टाइम में भी और फास्ट आता है। और घर में बैठेंगे ना तो यहाँ पे टेंशन नहीं, घर के अंदर ही बैठ के हम कपड़े वपड़े धो सकते, कि तो पानी डायरेक्टली गटर में कनेक्शन है, ज्यादा धोए भी तो ये टेंशन नहीं है, यहाँ पे बहुत अच्छा है। धोके रखी थी लेकिन पता नहीं घृणा आ रही है चूहे की वजह से, इसलिए वापस से धो रही हूँ। और चूहे की चटाई वगैरह मंगाई मैंने, अभी लेके आएंगे आते टाइम में, बाहर से आते टाइम में लेके आएंगे, दो चार चटाई लेके आओ बोली चूहे की, पता नहीं जो रहता था ना पहले घर पे, तो वो लोग भी बोल रहे थे यहाँ चूहे बहुत है करके घर, मेरे को पता नहीं था ना, तो मैं आई थी तभी कर लेती थी, जो भी है ऐसे देखने के टाइम दिखते नहीं लेकिन कब आते पता नहीं, ऐसा है। Thank you.
उसके बर्तन धोके हो गए, मैं लगा रही थी और फोन पकड़ने वाला कोई नहीं था इसलिए ब्लॉग नहीं बनाई, और आधे बर्तन लगा चुकी मैं धोके और फिर मुझे याद आया तो मैंने तो ब्लॉग नहीं बनाई। ऐसे यहाँ पे सब धोके रखी थी ऐसे बर्तन, मैंने पहले घर धोई थी ना, तो घर धोने के बाद मैं बर्तन रखने के लिए मतलब अच्छा हो जाता साफ, और सब हो गया, सिर्फ बर्तन सेट करूँगी, मशीन में के लास्ट फाइनल कपड़े चल रहे और मेरे घर की साफ सफाई पूरी डन हो जाएगी। घर धोने थोड़े बाकी रह गए, बाकी सब काम हो गया, सब तैयार हो गया, डन हो गया सब, घर धोने का है ना, घर धोने का बाकी है ना। तो गाइस हो गए मेरे बर्तन लगा के किचन, ये जो बर्तन है इतने हटाना है मुझे, एक्स्ट्रा हो गई है तो इसको वो नाइफ कितनी भर के रख रही हूँ। मम्मा ने 6 बजे काम स्टार्ट किए थे, अभी 9 बज रहे हैं, तो ना मैंने सब बर्तन वर्तन लगा दिए सारे। आज देखो खाना बनाने का नहीं है, वैसे कितना सारा पुलाव बचा हुआ है दोपहर का, इसके लिए बहुत सारा पुलाव बनेला है, बच्चों लोग को देती हूँ खाना। और ये डब्बे जो है ना बस पोंछने के सुखाने के, मतलब धो स्कूल से आई जब से उसको भूख लगी है, लेकिन मैंने उसको खाना नहीं दी, अभी देती हूँ खाना, वापस से ये लोग गंदा करने वाले। और ये भी देखो बाहर बाहर भी धो के सब साफ हो गया है एकदम अच्छे से क्लियर, और उतने कपड़े जो है कितने दूर रखी मैंने वो इधर लेके आती हूँ सुखाने के। तो मेरे घर की साफ सफाई हो गई और अभी बच्चों को खाना दे रही हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। बहुत टाइम से पानी में काम कर रही हूँ, 1-2 घंटा हो गया, तो ना तो चाय का मूड हो रहा है, चाय पी नहीं आज, वैसे दोपहर की चाय नहीं पीना तो इसके लिए, तो फिर अभी दूध लेके आई सोनू ने जाके, और दूध मिलता नहीं है कभी कभी, जो हम जिस दूध से चाय बनाते ना, जो दूध हम लोग लेके आते वो कभी कभार ख़त्म हो जाता है, मिलता नहीं है तो इसके लिए, लेकिन फिर भी मिला। तो देखो कैसे खेल रहे बाहर ठंडी में, इतनी ठंडी है, मैं वही बोली चाय पी के ना मस्त उनको बिस्तर डाल के देती हूँ तो सो जाएंगे। दूध हो रहा है गरम, तो बन गई चाय, चाय ना मेरे से कभी भी एक्स्ट्रा ही बनती है। चलो देखो चाय बनाते बनाते ना मैंने कपड़े सुखा लिए पूरे, अभी फैन में ना सूख जाएंगे। चलो अभी चाय पीती हूँ। आ गए अभी चाय पी मैंने, वैसे आया कौन बच्ची आई वो, अच्छा तो आ गए हमारे मिस्टर आसिफ खान। अस्सलाम वालेकुम गाइस, थोड़ा बैठ तो इधर, सुबह से थक गए क्या? हाँ थोड़ा सुबह से आज बहुत भागम दौड़ी थी क्या, यहाँ वहाँ जाके थक गया, अभी भी थोड़ा घर में काम था बता के आया। अच्छा और बाहर ऐसी ठंडी है ना कि पूछो मत, मुझे ऐसा लग रहा मैं पानी में काम करी तो मुझे ऐसा लग रहा है ठंडी, बोले तो एकदम दबा के ठंडी है पहले। बहुत आनंद मिलेगा, हम लोग खा लिए खाना ना, खाली मैं बचा हूँ, तुम बच्चे खाना गरम कर रही हूँ। हाँ तो खाना गरम कर, अभी मैं ना तुम गए जैसा ना वैसा मैंने घर की पूरी साफ सफाई करी ना, तो मुझे ठंडी लग रही, मुझे लगा घर में नहीं बाहर ठंडी है, इतनी ही ठंडी है बाहर, और उस पे गाड़ी पे आने इधर उधर ज्यादा ठंडी लगती है ना। अभी यहाँ मुंबई में यहाँ तो मतलब गाँव में क्या हाल है, गाँव में तो इतनी ठंडी है ना कि पूछो मत, बहुत ठंडी है, सुखाने का इसलिए मैं यहाँ पे बैठी, अभी वो सुखाएगी मतलब सुखाऊंगी, मतलब कॉटन के कपड़े से साफ करके इसको ढक्कन लगा के वापस से उनकी जगह पे रखूंगी, जैसे नए लेके आई थी ना वैसे ज रखे लेते हैं उसको, इसके लिए मैं उसमें कुछ चीजें रख रही नहीं थी, और राशन इनको बोल रही मैं चलो करके सुन जाएंगे तभी जाएंगे, आजकल में या इसी कर रहे आज और कल, आज कल ऐसी कर आजकल में जाके ले, कल चलो कल खाली है क्या अगर ऐसा, देखो अभी इनको 11:30 बजे बाहर से आने तो ऐसे इनको टाइम लगता ना, इसके लिए हमारा जाना रह जा रहा है ना, तकलीफ कल अगर
तो देखो ये लेके आए माउस ट्रैप, अभी मैं लगा रही हूँ मूंगफली के डिजाइन वाला माउस ट्रैप। तो हो गया मेरा सब फाइनल काम, सब घर की क्लीनिंग हो गई। अभी मैंने लगा दी वहाँ पे जिधर मसाले के डब्बे रखे ले ना, वहाँ पे बहुत ज्यादा चूहे ने ना गंदगी करके रखे थे, तो उधर मैंने माउस ट्रैप लगाई, मतलब जो चटाई रहती ना चूहे की वो लगाई हूँ। बोले जैसे चूहे उस पर चिपक जाएंगे तो उसको फेंक देने का। और उसके बाद में ना अभी चलो देखते हैं, अभी उससे अगर कम हुए तो ठीक बात है, नहीं तो फिर और दूसरा कुछ सोचना पड़ेगा चूहे का इलाज। और अगर आपके पास में कुछ है आइडिया तो मुझे कमेंट कर लेना। वैसे मैं बहुत परेशान हो गई कि तो दिखते है नहीं चूहे, लेकिन पता नहीं गंदगी कैसे हो जाती है। और चलो आज तो मैंने सब साफ सफाई तो कर ली, लेकिन अब आज का दिन पूरा काम में ही चला गया। तो कैसा लगा व्लॉग लाइक करना, शेयर करना और छोटा सा कॉमेंट भी कर लेना। और हाँ, बेल आइकन को यहाँ से प्रेस कीजिए ताकि मेरी जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले ही मिलेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।